राधे राधे। ब्रज बिहारी शास्त्री जी, आइए उनसे मिलते हैं। शास्त्री जी प्रणाम, स्वागत करते हैं आपका। तो हम अभी निधिवन में हैं, तो बताइए इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये निधिवन जी, ये स्वामी हरिदास जी की तपस्थली है। अच्छा, ये पहले यमुना जी के किनारे था। हाँ। और यमुना जी के किनारे ही ये निधिवन था। अच्छा, बगल में जो है यमुना नदी है, सामने ही नदी घाट है। जी, जी जी। पर पहले यमुना जी निधिवन के किनारे होकर के अच्छा यहाँ पे होते थे, बहती थी। और स्वामी हरिदास जी यही तपस्थली थी, यही तपस्या करते थे। अच्छा, भजन करते थे। अकबर बादशाह भी यहीं आया। अच्छा। और जिस समय अकबर बादशाह आया है दलबल के साथ में, उस समय पर प्रिया प्रीतम स्वामी हरिदास जी के सामने विराजमान थे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और जैसे ही अकबर बादशाह आया है कि प्रिया प्रीतम अंतर्धान हो गए, एक बात। दूसरी बात, स्वामी हरिदास जी ने ठाकुर बिहारी जी को, बांके बिहारी, इनको प्रकट किया। ये जो निधिवन है, यहाँ प्रिया प्रीतम का नित्य विहार है। यहाँ स्वयं ठाकुर जी बिहारी जी राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। ये वो स्थली है, यहाँ रात्रि में किसी का भी प्रवेश नहीं है, निषेध है। निषेध है, सबको खाली करा दिया जाता है। और जो अगर रुक भी जाता है तो उसका रिजल्ट उल्टा ही उसको मिलता है। उल्टा मतलब क्या? वो सोचता है कि मुझे कुछ विशेष कहना नहीं चाहिए। नहीं, आप बोलिए। बोले हरी धाम के लिए सीधा पहुंचता है। अरे बाप रे। एक आध घटना ऐसी हुई, फिर उसके बाद में लोग डर गए, फिर कोई भी इसमें निधिवन में रात्रि में प्रवेश नहीं करता, सांस नहीं करता है प्रवेश करने के लिए। अच्छा, तो इसमें रात्रि में किसी का भी प्रवेश नहीं। तो रात्रि में यहाँ की लता पताएं इन्हीं में ठाकुर जी अपना विहार करते हैं। रात में ऐसा होता क्या है? प्रिया प्रीतम का विहार है, नित्य विहार है। जैसे आप रात में विहार करते हैं, नहीं करते हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। तो प्रिया प्रीतम की लीला को देखना कोई आसान है? साधारण मानुष्य का खेल है, नहीं है। जिसको दिव्य ज्योति प्राप्त है वही कर सकता है, वो कर सकता है। नहीं तो दिव्य तेज पुंज को ही देख करके भयभीत हो जाता है। माने जैसे कि दिन में 1000 सूर्यों का प्रकाश हो गया हो, और जब रात्रि में एकदम प्रकाश 1000 सूर्य का होगा तो कौन ऐसा है जो भयभीत नहीं होगा? हम ही भयभीत हुए एक बार, इस निधिवन में नहीं। प्रिया जी के मंदिर से और देह कुंड के लिए प्रिया प्रीतम स्नान के लिए जा रहे हैं, और हम राधा भाग में अखंड रामचरित मानस का पाठ कर रहे हैं। तो पाठ वहां चल रहा था तो प्यास लगी, रात को पानी लेने राधा रानी के कुआं पर आ गए। अब कुआं पर आए, पानी भर लिया, और पानी भर के जैसे ही बाल्टी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो दिव्य प्रकाश एकदम राधा रानी के मंदिर से उठा। अरे बाप रे। और एकदम आकाश में होके हमारी आंखों के सामने होकर के चला। तो जो चला तो हम तो भयभीत हो गए, डर की वजह से बाल्टी लोटा सबको छोड़ छाड़ करके भाग गए। बोले भाई ये क्या, कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बेताल है, क्या है? भागे, और डर की वजह से फिर भैया पाठ में जा करके हम पहुंच गए। और पाठ में जा करके जब पहुंचे तो बोले क्यों घबरा रहे हो? हम दो थे, एक हम थे, एक हमारा मित्र था भारत भूषण, ये दोनों ही थे। कोई बात नहीं, चले गए। फिर सुबह में जब बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग थे उनसे हमने पूछा, मैंने रात को ऐसा ऐसा हमारे साथ में हुआ भैया, तब उन्होंने बताया कि प्रिया प्रीतम रात्रि में 12 बजे के बाद भोर वेला जब होने को आता है तो उन दिव्य प्रकाश उनका जाता है, उस प्रकाश में प्रिया प्रीतम दिखाई देते नहीं है, और वो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, वो देह कुंड में स्नान करने जाते हैं और देह कुंड में स्नान करके रिटर्न वापस आते हैं। उसके बाद में फिर कभी हमने उस दिव्य प्रकाश को देखा नहीं।
तो ऐसे ही यहाँ वो दिव्य प्रकाश, जब हम डर गए तो दूसरा आदमी भयभीत नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और वो भी अकेला, जबकि हम तो 10-20 है वहाँ। अच्छा अच्छा, वो तो, हाँ। तो भाग लिए उनके पास में, और जो अकेला होगा तो वो भयभीत होकर के वहीं उसको हर्ट अटैक हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रभु जाने, क्या लीला होती है नहीं। तो यहाँ रात्रि में किसी को सहन नहीं। ये आप जो बोल रहे हैं ये कब की बात है? ये हम छोटे छोटे थे, मतलब आज से लगभग 50 साल पहले की बात है, जब राधा भाग में रामचरितमानस अखंड चल रही है। ऐसे एक ही बार हुआ था आपके साथ या फिर इसके बार भी, इसके बाद भी ऐसा अनुभव हुआ? एक बार हुई ये प्रकाश का अनुभव एक बार हुआ जीवन में। तब फिर बुजुर्गों ने जब हमको बताया तब हमको मालूम हुआ। तो ऐसी लीलाएं इस ब्रिज में होती ही रहती है, इसीलिए उन घटनाओं को, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी, कोई किसी को रहने ही मत दो, जब रहने नहीं दोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। ये बात सही है, क्योंकि ये भगवान की क्रीड़ा स्थल है, यहाँ प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, विचरण करते हैं, और स्वामी हरिदास जी भी यहाँ, पुजारी भी नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सोचे कि पुजारी रहे, पुजारी भी नहीं रहते, पुजारी जी भी चले जाते। अरे बाप रे, और ऐसे में कोई आदमी साहस करे, इसका विशेषता इतना खास है। हाँ, तो यही है कि यहाँ उन्होंने प्रिया प्रीतम को प्रकट किया। अच्छा, हाँ, स्वामी हरिदास जी कोई छोटे मोटे संत थोड़े ही थे, तो है तो उच्च कोटि के संतों में गणना है। और इसी जगह पर स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के? निम्बार्क। अच्छा, तो उनका तिलक यहाँ तक था। अच्छा, यहाँ तक तिलक था ऐसे करके। तो जब प्रिया प्रीतम वो तानपुरा के ऊपर में पद गायन कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम सामने बैठे हैं, क्योंकि स्वामी हरिदास जी जब गाते थे तो ये बैजू बाबरा तानसेन ये सब स्वामी हरिदास जी के ही शिष्य थे, तो गाते थे प्रिया प्रीतम, मुग्ध होकर के सुनते थे। एक दिन प्रिया जी ने क्या किया कि बाबा तिलक लगा करके बैठे थे, तो उस तिलक को लेकर के और यहाँ से लेके खींच करके यहाँ तक कर दिया, ऐसे करके यहाँ तक ले आए। बाबा उस समय तो पद में भोर थे, भाव विभोर, परंतु जब पद पूरा हो गया, आंख खोली, दर्पण उठा करके देखा, तो बोले भाई ये किसने किया है, तिलक तो यहाँ तक था, अब ये तिलक यहाँ तक कैसे आ गया? बोले ये मेरी प्रिया जी का, वो तो सब कुछ ध्यान में देख रहे हैं, बोले प्रिया जी ने मेरे तिलक को यहाँ तक कर दिया है, तो आज से मैं तिलक यहीं तक लगाऊंगा। पहले ही इनका, हरिदास जी का तिलक यहाँ तक था, और जब प्रिया जी ने खींच के यहाँ तक कर दिया, तब उसी दिन से यहाँ तक तिलक ये लोग लगाने लगे। वैसे ये निम्बार्क संप्रदाय से ही इस संप्रदाय का निकलना है। अच्छा अच्छा, जैसे माधवाचार्य से माधव गौड़िया संप्रदाय निकल गई, ऐसे ही निम्बार्क संप्रदाय से स्वामी हरिदास जी की संप्रदाय निकल गई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। तो आचार्य भेद, उसके अवान्तर भेद, जैसे रामानुज से रामानंद आचार्य निकल गए, विष्णु स्वामी से बल्लवाचार्य निकल गए, ऐसे ही हर संप्रदाय से अलग अलग अवान्तर संप्रदाय निकल गया है। हाँ, तो ये जो स्थली है जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये स्वामी हरिदास जी की तपस्थली है, राधा रानी का, भगवान श्याम सुंदर का नित्य विहार स्थल है। इस स्थली में भगवान श्री हरि, भगवान बांके बिहारी अपने हाथों से, अपने कर कमलों से प्रिया जी के श्रृंगार करते हैं, फूलों से, हैं, रंगों से, मालाओं से, गुंजमालों से, सब तरीका से। तो ये वही स्थली है जहाँ आप बैठे। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर ये जो असंख्य हम जो देख रहे हैं भीड़, हाँ, तो ये क्या, नहीं, जो लोगों के जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ, तो ये जो भीड़ है ये क्या रोज का भीड़ है या फिर आज संडे है इसलिए? ऐसी ही भीड़ रहती है, ऐसी भीड़ ऐसी ही रहती है। हाँ, थोड़ा सा आज जैसे शनिवार रविवार होता है, हाँ, हाँ, तो शनिवार रविवार को थोड़ा सा भीड़ ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सरकारी नौकर हैं,
छोटे व्यापारी हैं, फैक्ट्री कारखाने जिनके चल रहे हैं, तो वो लोग छुट्टी कर देते हैं सैटरडे संडे की, तो फिर इसी छुट्टी में, तो फिर उस छुट्टी में देखते हैं दो दिन की छुट्टी है तो राजधानी पास में है दिल्ली, दिल्ली गुड़गामा भी महानगरी है, गाजियाबाद भी महानगरी है, मेरठ भी महानगरी है, मुजफ्फरनगर भी महानगरी है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ये सब महानगरियां हैं, आगरा है, मथुरा है, फिर ये लोग देखते हैं कि भाई दो दिन की छुट्टी है, चलो कुछ नहीं है तो भले राधा रानी के दर्शन करें, यहाँ बिहारी जी के दर्शन करें, यहाँ तो वो दौड़ पड़ते हैं। क्या बात है, तो इसलिए शनिवार रविवार में भीड़ इतनी अधिक होती है और इससे थोड़ी कम जो आने वाले हैं वो तो आएंगे, पर शनिवार रविवार को कुछ 20% 25% मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ एक बात ये बताइए कि निधिवन से पहले हम गए थे बांके बिहारी, हाँ तो बांके बिहारी मंदिर हम जो गए थे वहाँ का विशेषता क्या है? यही बांके बिहारी हैं। अच्छा, वहाँ मंदिर में विराजमान है। अच्छा, वहाँ मंदिर में विराजमान है, वहाँ अष्टायाम सेवा होती है और ये बिहार स्थली है, वहाँ वहाँ भोग राग आरती की सेवा है, वो भवन में विराजमान है बिहारी जी और ये उनका बिहार स्थल है जी, यहाँ सेवा कुंज की तरह जैसे सेवा करते हैं ना, ऐसे यहाँ सेवा स्थली है प्रिया प्रीतम की, अलग एकांत स्थली है ये वन में, वो अष्टायाम स्थली, बस डिफरेंस यही है, वो महल की सेवा है और ये वन की सेवा है। वन में ठाकुर जी प्रिया जी ले आते हैं और प्रिया जी को लाकर श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। अच्छा, और तो सेवा कुंज में तो इनको भी दबाते हैं, देखो कहाँ कुंज कुटीर में लोटत लोटत रात, जब मंदिर जाओगे राधा रानी के तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, एक फोटो लगा है, वो फोटो में भगवान प्रिया जी सिंहासन पर विराजमान है और ठाकुर जी सामने हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ रहे हैं, बोले मुझे कोई सेवा दे दो अपनी, वो सेवा मांग रहे राधा रानी से है? तो वो अलग है, ये अलग है, ये कुंज बिहारी है, वो महल बिहारी है। क्या बात, क्या ठीक? बहुत बढ़िया, हाँ वहाँ यहाँ कुंज का निवास है और वहाँ महल का हाँ। तो आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे जो कुंज का निवास है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पेड़ अभी भी हैं, तो ये क्या ये द्वापरी युग के पेड़ हैं? ये देखो मेरी आयु 64 साल है हाँ। और 64 साल की आयु हो गई और मैं कितनी बार आया, छोटे से सही आता हूँ, मैंने तो इनको ऐसे ही देखा ऐसे ही, इनका हाइट इतना ही है, इतना ही देखा। अच्छा, तो मैं कैसे कह दूँ 64 साल में जब इनमें कोई बदलाव नहीं है, सदियों से भी बदलाव नहीं, तो ये अनादि उसी समय के। अच्छा अच्छा अच्छा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं देखा जब वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था, आप भी चल रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको नया पौधा यहाँ कौन सा दिख रहा है? नहीं नहीं, कोई सब पुराना है। कितने भी पौधा दिख रहे हैं मुझको ये बताइए कि यहाँ नया पौधा कौन दिख रहा है? कुछ भी नहीं। और जो पौधा अगर निकल भी रहा है, जो पौधा निकल भी रहा है तो इनके जड़ों में जो मिट्टी हट गई है, अच्छा, उसमें से ही जड़ में से ही वो फूट अच्छा, करके दूसरी जगह जब वो हरा हुआ ऊपर को उसमें मिट्टी डाल दी, नहीं बोले ये पेड़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पौधा निकल गया अब उससे मिट्टी से उसको दबा दिया, ढक देते हैं। जैसे दो तीन जगह आपने देखा ना किनारे पे वो मिट्टी के ढेर हो रहे हैं, तो उसमें से जड़ में से वो पौधा फूट गया ऊपर निकल आया। अब बोले भाई इसको यहीं की यहीं मिट्टी डाल करके इसका हाँ बना दो चबूतरा, तो उससे क्या है कि ये एकदम खड़ा हो जाएगा। गुरु जी मैं देख रहा था इतना सारे भीड़ था तो वहाँ से आप आ रहे थे, तो मैं देखा कि आप पत्ते भी आप कुछ खा रहे थे। मैं हाँ हाँ, तो क्या उसका रहस्य क्या है?